आसमान की तरफ देखते हुए सूरज पर थूकने की कोशिश करता हूं तो थूक मेरे ही मुंह पर गिरता है। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद राम कदम ने इस पर अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को सोचना चाहिए कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात करने से पहले आपको महाराष्ट्र में अपनी छवि के बारे में सोचना चाहिए। पूरा महाराष्ट्र इस बात से तंग आ चुका है, आप अपनी ही पार्टी को डुबा रहे हैं और अपने अखबारों को भी डुबाने जा रहे हैं। आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है, आपका काम बकवास करना है। देखिए राम कदम ने किस तरीके से उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए बयान दिया। आकाशाकडे पाहून सूर्याकडे कोणी थुंकण्याचा प्रयत्न केला तर ती थुंकी स्वतःच्या चेहऱ्यावर पडते, अशी गत झाली आहे श्रीमान उद्धव ठाकरेंच्या नेत्यांची। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांना संपूर्ण महाराष्ट्र देव माणूस म्हणून पाहतो। त्यांच्याबद्दल बोलण्यापूर्वी स्वतःची लायकी काय, स्वतःची औकात काय, महाराष्ट्रामध्ये तुमची झालेली प्रतिमा काय, याचा तरी विचार करायला हवा। टीव्ही चॅनलचा दांडका दिसला की सकाळ दुपार संध्याकाळ सुरू, त्या बोलण्यामध्ये काहीतरी अर्थ असावा। पूर्ण महाराष्ट्र कंटाळलाय तुम्हाला, स्वतःच्या पक्षाला बुडवलं, आता स्वतःच्या वर्तमानपत्राला देखील बुडवायला निघालेत। निदान टीव्ही चॅनलचा टीआरपी तरी कमी करू नका, तुमच्या बोलण्यामध्ये काहीही अर्थ नाही। तुमच्या बाता फुंकण्याचा तुमचा तो धंदा आहे, त्याच्यामुळे इथून पुढे महाराष्ट्रात तुम्हाला मिस्टर फुके असं म्हणून ओळखतील। म्हणून देवेंद्रजींबद्दल बोलण्यापूर्वी 100 वेळा विचार करून बोला।